जी अब हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में हम पेविट टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पेविट टेबल जो है वो डेटा की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है ये हमारे सामने एक टेबल है इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं और रोज़ हैं मंथ का कॉलम है सेल्स रीजन प्रोडक्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स नेट सेल्स प्रॉफिट लॉस ये एक टेबल है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखे हुए है आप देख सकते हैं कि हर मंथ का डेटा जो है वो इसके अंदर मौजूद है अब फर्ज करें मेरे से सवाल किया जाता है कि मुझे हर सेल्समैन का दिखाया जाए कि उसने कितनी सेल्स किए पांच महीने के अंदर हर सेल्समैन का मुझे दिखाया जाए तो उसके लिए मैं पिवे टेबल इस्तेमाल करूंगा बजाय इसके कि मैं खुद से अरेंज करना शुरू कर दूं तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने कर्सर को वहां पर क्लिक कीजिए जहां पर टेबल का स्टार्टिंग या जो लेबल्स हैं टेबल के ऑलरेडी मौजूद इस केस में मंथ सेल्समैन और ये लेबल्स मौजूद हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या एंड पर भी क्लिक कर सकते हैं यानी कि प्रॉफिट और लॉस पर तो मैं मंथ पर जाता हूँ और क्लिक करता हूँ उसके बाद आप जाइए उसके बाद आप जाइए इंसर्ट पर इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद टेबल्स ग्रुप में पेवेट टेबल पर क्लिक कीजिए आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा उसके अंदर पेवेट टेबल और पेवेट चार्ट होगा आप पेवेट टेबल पर क्लिक कर दीजिए जब आप पेवेट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रिएट पेवेट टेबल का डायलॉग बॉक्स खुला हुआ आ जाएगा ये वो रेंज सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके पूरे टेबल की और उसको इसके अंदर इंसर्ट कर देगा नॉर्मली आप चाहेंगे कि जो आपका पेवेट टेबल बने वो नई वर्कशीट के अंदर बने और जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उसके अंदर ना हो वैसे आप ये ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं अगर आप इसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट करें तो लोकेशन आप सेल्स की दे सकते हैं साल के तौर पर मैं चाहता हूं कि इस सेल में pivot टेबल बना हुआ आए तो यहाँ पर बन जाएगा लेकिन हम न्यू वर्कशीट करते हैं ये ज़्यादा बेहतर होता है ओके okay दबाइए तो आपके सामने ये pivot टेबल का फील्ड जो है आपके सामने बना हुआ आ जाएगा अब इसके अंदर टेबल के आप फील्ड्स ऐड कर सकते हैं ड्रैग और ड्रॉप करके रोज के फील्ड्स कॉलम्स के फील्ड्स रिपोर्ट फिल्टर के फील्ड्स और वैल्यू के फील्ड्स। हम देखेंगे कि ये फील्ड्स हम किस तरह ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप अपनी दाएं जाने देखेंगे फील्ड लिस्ट होगी इसके अंदर रिपोर्ट फिल्टर कॉलम लेबल्स रोल एबल और वैल्यूज़ ये मौजूद हैं ये है पेवर टेबल क्रिएट करने का तरीक़ा